आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की गणित में अध्याय 1 यानी वास्तविक संख्या को देखेंगे। देखिए तो वास्तविक संख्या को शुरू करते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं रियल नंबर्स। अब देखिए तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेना है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे देखिए तो 1, 2, 3 गिनती तो 1 से शुरू होता है, इसी को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डट चलते रहेगा इसी क्रम में, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे देखिए तो नेक्स्ट है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या गिनती की संख्या से पहले 0 शामिल करने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है, गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, तो 1, 2 और 1 से पहले अगर 0 शामिल कर दिए तो उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या आपको याद रखना है प्राकृत संख्या के पहले या गिनती की संख्या के पहले अगर 0 लगा दे तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब देखिए तो जैसे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, 0, 1, 2, 3 इत्यादि कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए तो पूर्णांक संख्या जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला हो जाएगा मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक और दूसरा हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए तो पूर्णांक संख्या दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि पॉजिटिव मान होना चाहिए, पॉजिटिव। तो देखिए तो पॉजिटिव जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, इसमें सब प्लस में रहेगा, धनात्मक यानी पॉजिटिव सब जो है प्लस में, अगर नहीं भी लिखते हैं तो ये प्लस में ही है। और ऋणात्मक पूर्णांक का अर्थ होता है कि निगेटिव वैल्यू होना चाहिए, ऋणात्मक मान होना चाहिए, तो इसको लिखेंगे -3, -2, -1 इसी तरह। जैसे आगे लिखना है तो -4, फिर लिखना है तो -5, सब में कोमा दे देना है। तो यानी जिसके साथ माइनस रहेगा लगा हुआ उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, जिसके साथ प्लस रहेगा उसे धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो पूर्णांक जो है दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब जो है 0 की बात करें तो 0 जो है न धनात्मक पूर्णांक है और न ऋणात्मक पूर्णांक है, ये जो है न्यूट्रल संख्या है यानी बीच की संख्या है, न माइनस इसे कहेंगे न प्लस कहेंगे। अब देखिए तो जैसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं लेकिन क्यू का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जैसे 3/7 मान पी बटा क्यू के रूप में लिखना है, पी बटा क्यू के, तो पी का मान यहाँ 3 हो गया और क्यू का मान यहाँ 7 हो गया और क्यू का मान 0 नहीं, यानी कि हर में अगर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P का मान 0 हो तो चल सकता है। तो ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए या P बटा Q के रूप में लिखे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए तो जैसे जिसका वर्गमूल निकल जाए, तो यहाँ 16/25 है, अगर रूट के स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको अगर अलग करते हैं स्क्वायर रूट से तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी कि 16/25 स्क्वायर रूट के अंदर जो है ये परिमेय संख्या है, रूट 25 भी परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या उसी संख्या को कहेंगे जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखे या जिसका वर्गमूल निकल जाए उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अब देखिए तो जैसे अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या को जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या।
या इसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए तो रूट थ्री स्क्वायर रूट के अंदर जो है तीन है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। रूट सात हो गया, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। स्क्वायर रूट के अंदर है पाँच बटा सात, ये भी अपरिमेय संख्या, इत्यादि इसी तरह लिख सकते हैं। अब देखिए तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, देखिए तो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, यानी सभी को मिलाकर जितने भी संख्या है सबको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि दुनिया की कोई भी संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। पूर्ण संख्या हो या प्राकृत संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो, अगर सभी को आपस में मिला देते हैं तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए तो माइनस तीन, तो ये तो हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद दो है यहाँ, तो ये हो जाएगा क्या, धनात्मक पूर्णांक। जीरो क्या है, न धनात्मक पूर्णांक है और न ऋणात्मक पूर्णांक है। रूट थ्री की बात करें तो ये अपरिमेय संख्या है, और रूट के अंदर 9/25 की बात करें तो ये जो है परिमेय संख्या है, और रूट 16 तो ये परिमेय संख्या है, इत्यादि इसी क्रम में हो सकते हैं, तो इसे ही क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।